नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के 4 पेपर हो चुके हैं और अगला जो पेपर है वो है मैथमेटिक का, और सभी बच्चों को मैथमेटिक के पेपर की बहुत चिंता रहती है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मैथ्स का पेपर निकल जाए, यानी मैथ के पेपर हम अच्छे से कर पाएँ। तो बच्चों की इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमने क्या प्रयास किया कि 10th क्लास में मैथमेटिक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी एमपी जो क्वेश्चन है, उसका एक कलेक्शन बनाया है और उस कलेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 3 सेट बना लिए। ऐसा नहीं कि एक सेट में 100 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली 40 क्वेश्चन, जिसमें 20 जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट वो वाले भी हैं, यानी कुल मिला के जिससे पेपर बोर्ड में आता है उसी तरह से 3 पेपर बनाए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, या सेट 1, सेट 2, सेट 3। अगर आप ये तीनों सेट के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो 101% आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस साल जरूर करना चाहिए। ये जो पेपर होंगे वो सेट वाइज होंगे, सेट 1, सेट 2, सेट 3। पहले सेट ए के सारे क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन, फिर सेट बी के 40 क्वेश्चन होंगे और फिर सेट सी के 40 क्वेश्चन होंगे। तो आप एक एक करके ये तीनों सेट को सॉल्व कीजिए और अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए। और हाँ, जब आपका ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आ जाए, यानी आप जो इन 3 सेट की जो तैयारी कर रहे हो उसमें से जब आप क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड में आ जाए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।